Pavitra, क्या हुआ? तुम पापुजी की तस्वीर को देखकर चीखी क्यों? देखो, पवित्रा, पवित्रा क्या बात है? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम ये तस्वीर के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ये तस्वीर लेकर आंगन में जा रही थी, पर तुम्हें क्या हुआ? गौरी, जाके कजरी के लिए पानी लेके आओ, जाओ। रसीली भाई, पवित्र को समझाइए ना। कजरी मेरी जान, भूत-भूत कुछ नहीं होते, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तुम्हारे दिमाग का वहम है। नहीं रसीली भाई, मैं मेरे यकीन करो, मैं मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रही हूँ। मैंने वो साया देखा, मेरे कमरे में ना वो खून लगा हुआ था बिस्तर पर और मेरे घर के शीशे में, और शीशे पर भी खून था और उसमें लिखा हुआ था, कुछ खून से लिखा हुआ था। पवित्रा, तुम पहले पानी पियो। तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? तुम बार बार मुझसे सवाल पूछना बंद करोगी? पवित्रा का कहना है कि उसके पीछे कोई साया है, कोई भूत है। भूत? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो था, कोई मुझे धमका रहा है। पर तुम्हें कोई धमकी क्यों देगा पवित्रा? तुमने कभी किसी को ऐसी तकलीफ पहुंचाई है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो कोई तुम्हें क्यों परेशान करेगा पवित्रा? रसीली बाई, आप पवित्रा को उसके कमरे में ले जाइए। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में, बस चलो। अब वो दिन दूर नहीं जब पवित्रा की सच्चाई सबके सामने होगी। पवित्रा खुद अपने गुनाह सबके सामने कबूल करेगी। हम उससे उसके गुनाह कबूल करवाएंगे। आज हम बेटियां हमारे बापूजी से वादा करती हैं, उनके कातिल को उसके गुनाह की सजा मिल के रहेगी। रसीली भाई, कल रात तो यादगार रहेगी। एक मिनट के लिए भी मेरी आंख बंद नहीं हुई, नींद ही नहीं आई, और सिर में इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी फट जाएगा। ये अदरक डाल के मसाले वाली चाय,
सारा सरदर्द यूं ही गायब हो जाएगा। रसीली भाई, पवित्रा, अगर मैंने तुमसे कुछ कहा तो मेरी बात मानोगी तुम? बोलिए ना दीदी, क्या बात है? तुम्हें प्राचीन मंदिर जाना चाहिए। प्राचीन मंदिर? हाँ पवित्रा, महाकाली का प्राचीन मंदिर। और देखना, वहां जाने के बाद तुम्हारी सारी तकलीफ, डर, बेचैनी सब कुछ चुटकी में दूर हो जाएगा। वहां तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का छुटकारा मिलेगा पवित्रा, शांति मिलेगी तुम्हें। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी ऐसे माहौल की जरूरत है। मैं जरूर प्राचीन मंदिर चलूंगी। देखना पवित्रा, मंदिर जाने का फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। मेरा शुक्रिया अदा करोगी तुम। पवित्रा, तुम प्राचीन मंदिर जा रही हो? क्यों, वो क्या है ना, हम सबका भी बहुत मन कर रहा था काली माँ के दर्शन करने का। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम भी दर्शन के लिए चल सकते हैं? तुम लोगों को अगर चलना है तो चलो। शुक्रिया पवित्रा। पवित्रा, वो एक और विनती करनी थी। अब क्या है? वो पवित्रा, कोई और भी जो हमारे साथ चलना चाहता है। चुमकी, जिस अकड़ से तुम यहां से गई थी, मुझे तो लगा कि दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। ठीक है, ले चलो इसे। दीदी, पर हमें उस मंदिर में जाना कब है? तुरंत चलेंगे पवित्रा, तुम बस तैयार हो जा। मुझे पूरा यकीन है कि माँ काली हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखाएगी। वो हमें शक्ति देगी ताकि पवित्रा के मुंह से हम सच उगलवा सके, तुम्हारे बापूजी की हत्या के रास तक पहुंच सके। लो माँ, आ गई वो। लो पवित्र, आ गए हम माता के द्वार। कजरी मेरी जान, एक जान ही बाकी रह गई बस, बाकी तो यहां पहुंचते पहुंचते पसीने छूट गए। चले पवित्रा। शांति है यहाँ, कैसा लगा श्री? बहुत अच्छा लगा भाभी। श...
श्री। हाँ पर आप, मैं जानवी, राधा जी ने हमारी फोन पे बात करवाई थी, याद है? अरे हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं अपने पति और भाभी के साथ काली माँ के दर्शन के लिए आई। नमस्ते। नमस्ते। खड़गम चक्र गदेषु चाप परिधान शूलं भुशुण्डी शिर शङ्खं सन्दद सिङ्करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषाभृताम् रास्ते चलना होगा, जिसकी मंजिल होगी पवित्रा का अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करवाना। आज का दिन पवित्रा के अपवित्र इरादों का आखिरी दिन। हम बाबूजी को उसके कातिल की सजा दिलाकर रहेंगे। हमें कसम है माँ काली, हमें कसम है अपने परिवार की, हम अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जगह भी वही होगी, इंसान भी वही होगी, सिर्फ बाजी बदल जाएगी। इस बार मोहरा बनेगी पवित्रा। ये लो मेरी जान, पानी पियो और चैन की सांस लो। मैं चैन की सांस नहीं ले सकती रसीली भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है।
रसली भाई। मेरी जान फोन की घंटी है, अब इससे भी डरने लगी तो हो चुका कल्याण। हेलो। हेलो, क्या मैं युवराज गरोड़िया से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। मुझे सूर्यकांत गरोड़िया की मौत के बारे में कुछ बताना था उन्हें। मैं युवराज गरोड़िया की पत्नी बोल रही हूँ, आप मुझे बताइए। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि बोर्ड पर और किनारे पर कुछ सबूत मिले हैं। उन सबूतों से सूर्यकांत गरोड़िया के कातिल का पता जरूर चल जाएगा। क्या? जी हाँ, बस हम चाहते हैं कि मिस्टर युवराज गरोड़िया वहाँ आए और उन सबूतों को पहचाने। हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँचते हैं। जी, हम पहुँचते हैं, शुक्रिया। युवराज, इंस्पेक्टर राणे का फोन आया था बापूजी की मौत के सिलसिले में। मेरी जान, रसली भाई, उस इंस्पेक्टर के आने से पहले हमें सबूत ढूंढना होगा। युवराज कहाँ है? वो नीचे। रसली भाई, अब जाकर उसकी मदद करो, मैं वहां देखती हूँ। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी भी कोशिश कर लो पवित्रा, कोई फायदा नहीं। काली माँ के प्राचीन मंदिर में तुम्हारा फैसला हो चुका है, तुम्हारे हर राज पर से पर्दा उठ गया है, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है पवित्रा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और अब जब सच्चाई पर से पर्दा उठ गया है, अब हम हमारे बापूजी की मौत का बदला लेके रहेंगे पवित्रा।